हाई एवरी वन, आई एम शाहिन अनीफ और हम देखते हैं आपके नेक्स्ट फ्यू डेज आपकी लव लाइफ में क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, इवन आपके साथ भी क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके वर्क प्लेस में क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आपके नेम की फर्स्ट के लेटर जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, सो हम आपका रीडिंग अभी स्टार्ट। सो ओके गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ एंड नॉर्मल लाइफ ही हम देखने वाले, सिंपल सी बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पार्टनर के नेम भी आपको यहाँ पे शो किए जाए। तो ये आपको जो शो हो रहे हैं वो आपके पार्टनर के नेम है, ठीक है, और इनकी बर्थ डेट है। ओके, तो हम आपका अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपसे कनेक्ट हो तो ठीक है, वरना आप स्किप कर दीजिए। सो ओके गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आपकी नॉर्मल रूटीन और देखते हैं आपकी नॉर्मल लाइफ में क्या चल रहा है, आपके मूड कैसे है, क्या हाल है आपका। तो हम देखते हैं उसके ऊपर से हम रीडिंग करने वाले। मैच हो तो ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, नहीं तो फिर स्किप कर दीजिएगा। ओके बिंदास, ठीक है, चलो हम मस्ती मजाक छोड़ते हैं और देखते हैं आपका रीडिंग क्या है। ओके ओके, जब आपका सोल नहीं मान रहा है तो फिर जबरदस्ती वाला एक्शन किस लेवल से आप ले रहे हो, ठीक है। स्लो है चीज़ें, तो उससे डर किस चीज़ का, स्लो है, फाइट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू डू इट एवरीथिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को, अपनी सोल को, अपने आप से ज़बरदस्ती वाला एक्शन लो। कुछ चीज़ें नहीं चल रही है तो आप तो बड़े बावले हो रहे हो, अब तो आपको गुस्सा आ रहा है कि मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हो रही है, यही चीज़ हो रही है ना। चलो और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो इसका मतलब ये है, यहाँ जो एनर्जी है, ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो हम चले जा रहे हैं आगे और हमारा सोल पीछे छोड़ के आ गए किसी की याद में। लव लाइफ में आपकी हालत ये है, किसी ने आपको इनकार कर दिया है प्यार से और ना के बराबर, बोलते ना सब खत्म हो चुका है, तब भी एक आस और उम्मीद, एक्चुअली आप उसमें से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो अपने आप से कि हम इस चीज़ को फॉरगेट कर दें, अपने आप में से निकाल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन हो नहीं पा रहा आपके साथ। और बहुत सारी यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को, बहुत सारे लोगों को कनेक्ट होगी कि रिश्ता ना के बराबर ही है, बंदा बोलता ही नहीं है कि मैं तुमसे रिलेशनशिप में हूँ, और ये रिलेशनशिप है ही नहीं आपके अंदर, आपकी ज़बान ख़राब है, या आपका बोलने का तरीका गलत है, या फिर आपको ऐसा बोला गया हो कि आपकी सोच नहीं सही, आपकी सोच सही नहीं है, आप सोचते गलत हो या गलत है, आपकी सोच बहुत गंदी है, आप इस टाइप के बातों से कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है रिश्ता, ठीक है। ये बात बहुत लोगों से कनेक्ट नहीं होगी, जिससे कनेक्ट हो तो मुझे कमेंट में आके बता दीजिएगा, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ से ख़त्म हुई है आपकी लव स्टोरी। नॉर्मल लाइफ की बात करती हूँ तो नॉर्मल लाइफ में भी पास्ट के लोग आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पास्ट की बातें इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा असर तो नहीं करता है, लेकिन आप शॉक्ड हो रहे हो ये चीज़ों से कि पास्ट के लोग क्यों आ रहे हैं मेरी लाइफ में, ये चीज़ें तो मैंने पहले एंड कर दी थी। बहुत सारी चीज़ें हो रही, अचानक से इत्तेफाक से बहुत सारे लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे लोगों को स्टोन का प्रॉब्लम हुआ है, बोलते ना स्टोन, पत्थरी का दर्द, ठीक है, स्टोन का दर्द हुआ है, अपेंडिस का दर्द स्टार्ट हुआ है बहुत सारे लोगों को, जिसके चक्कर में आप सोनोग्राफी या फिर डॉक्टर के पास गए हो, या तो फिर आपने कोई टोटका, मतलब बोलते हैं ना, जड़ी बूटी का ट्राई किया हो, ये किया हो, ये चीज़ें हुई है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आके बताइएगा, ठीक है। इसकी वजह से आपको फीवर भी आ सकता है। बिल्कुल, मैसेज कॉल, देखो एक बात होता है, जो चीज़ें हमने मतलब ख़त्म कर दी है, ठीक है, तब भी आप इनको मैसेज कॉल करके, एक बार इनसे बात करके अपने सारी बात बताना चाहते हो कि आप कितना प्यार करते हो। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि बंदी को आपने या बंदे को आपने बताया भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक दिन आप सही हो जाते हो और फिर दूसरे दिन जो हाल है वही हाल पे आ जाते हो, आप इनको फ़ौरन माफ़ कर देते हो। प्रॉब्लम ये है कि ना यूनिवर्स चाहते हो आपकी ज़िंदगी से जाए, लेकिन आप हो जो आप थक चुके हो, हार चुके हो, और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपने ये डिसाइड करके रखा हुआ है कि मैं अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, मेरे साथ ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो मुझे जस्टिस चाहिए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्पेल भी ट्राई किया है, राइट, जो इसने स्पेल ट्राई किया है या फिर जस्टिस की मांग की है, प्लीज़ कमेंट मार के ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं और रूटीन आपकी फॉलो करती हूँ, क्या है, पता है, यू नो वॉट, यहाँ पे आने वाले वक्त का रास्ता तो बड़ा लंबा है, लेकिन आप उसके लिए भी तैयार हो,
ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा बर्ड है, जस्ट माई गॉड। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी आप इस चीज़ को रोकने का नाम नहीं, ठीक है। सो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े जा रहे हो, लेकिन इतना बर्डन होने के बाद भी आप अपने आप को रोकने का नाम नहीं ले रहे हो। हिम्मतवान हो, लेकिन जो सामने वाला इंसान है आपको, वो सोचता है कि आपके अंदर कुछ नहीं है, यू आर ज़ीरो नाउ, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने उनको बहुत समझाया होगा यू आर द बेस्ट, जबकि आप हो सकता है कि आप अच्छे मुकाम पर हो, लेकिन बोलते हैं ना, हम जिस पार्टनर से प्यार करते हैं उसके आगे हम ज़ीरो है, तो फिर दुनिया के सामने हो, फर्स्ट नंबर के हो, तभी उस इस चीज़ का हम क्या ही कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ों का तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सोच गलत हो सकती है ये बोला जाए, तो हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते, हम इसको बोल नहीं सकते हैं कि हम सही हैं, कब तक समझाया जाए। तो आपने भी यही डिसीज़न लिया हुआ है कि नहीं, अभी इस रिश्ते में अभी और कुछ नहीं रखा है, बस अभी इस रिश्ते को ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी मुझे और नहीं कर और चीज़ें नहीं करनी। इवन बहुत सारे लोगों को, कि आप लोगों को आदत है, कोई कबूतर को, कबूतर या जानवर कोई इंजर हुआ है, मतलब उनको लगा हुआ है, तो आप उसको हेल्प करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे ही छोड़ देते कि आप उनको हेल्प करें, और शायद आपने हेल्प किया भी होगा, क्या आपने किया है, कैट है या कबूतर है, उसको कोई बर्ड है, जानवर आपके सामने आके गिरा हो, लगा हो, और आपने उसको मलम या फिर डॉक्टर के पास आप लेके गए हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ की है तो प्लीज़ कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए मैच होगी जो मैंने आपको बताया, जो ये एनर्जी से मैच हो रही है, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू रखें, ओके। तो हम देखते हैं आने वाला नेक्स्ट टास्क आपके लिए क्या है, ठीक है। सो कि गाइज, हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट फ्यू डेज, ओके। सो देखते हैं, हाँ क्या बात है। तो मुझे लगता है ना, एक्चुअली आप अपनी लाइफ में ना मस्त मलंग होते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि याद बात नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इतने अच्छे दिन हमारे कहा, ठीक है, याद तो जरूर करोगे, मास्टरी की है। पैसे बिना कि हमने जो मास्टरी की है उसका हम कैसे भूल सकते हैं दीना। गाइस दिस इज अ नॉर्मल थिंग, बट हाँ आपको सिर्फ हंसाने के लिए बोल रही थी, प्लीज माइंड मत करने का, मत करिएगा, बिकॉज मैं भी खुद भी टेंशन में होती तो मैंने भी बहुत ही मास्टरी कर दी। आप में और मुझ में इस बात में कोई फर्क नहीं है, हाँ पर्सनल लाइफ में, आप तो लव लाइफ की बात करते हो, पर्सनल लाइफ में मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ, तो मैं भी डिग्री करके बैठी हूँ, सो हम लोग सॉलमेट है ना, इसलिए जैसे इस बात को हटाते हैं और देखते हैं आगे की रीडिंग क्या है। कई सिंपल सी बात है, याद बात जरूर करने वाले हो बिल्कुल, लेकिन हाँ आगे आने वाली वक्त के अंदर आप काफ़ी हद तक स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हो, सिर्फ दिखावा होगा, जबकि होंगे नहीं आप, सीरियसली बोलती हूँ, ऐसा कभी दिन नहीं आया है कि आपने बहुत मस्त मलंग होके अपने आप को बोला हाय मैं तो बड़ी मस्त मलंग हो चुकी हूँ, आ चुका हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है। आप इतने सीधे तो हो नहीं यार, मैं भी इतनी सीधी हूँ नहीं एक्चुअली। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे कोई मस्त मलंग वाली चीज़ है नहीं है, दिखावा जरूर करने वाले के बड़ी मैं चिल हुई या चिल हूँ, ठीक है। ये टाइप की एनर्जी है, लव लाइफ में बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों का रियूनियन होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन मस्त मलंग वाले, दिखावा जरूर करने वाले हो आप लोग। हम नॉर्मल लाइफ ही और लव लाइफ भी देखते हैं दूसरे कार से भी। ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टावर मूवमेंट है बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। ऐसे गुस्से की नज़र से देखोगे ना आप, वो बंदे या बंदी को ऐसे लगेगा नहीं अभी तो कुछ दाल में गाल काला है, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा है ना डरना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ जाएगा कि भाई अभी तो ये गया, अभी तो मेरे हाथ से या गया या गई, ठीक है। सो ये रियलिटी है, आज की एनर्जी बड़ी मस्त है, OMG पागल वाल पागलों वाली एनर्जी है। ओके सो गाइज, हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा सा डांटते हुए भी इनको दिखाई दे रहे हो, इनके पास जस्टिस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात करती हो, आप बिजनेस करते हो या फिर कोई वर्क करते हो, तो आपका इतने अच्छे दिन तो हमारे कहा, मैं आपको बोल दूँ ना, हमारे अभी दिन स्टार्ट नहीं हुए हैं बस।
ठीक है, तो हाँ बिल्कुल आपका बिजनेस सही ढंग से नहीं चल रहा है, जॉब में आपको कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, तो नो डाउट जस्ट आफ्टर 25 नवंबर 25 के बाद आपका बहुत कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है, सो जस्ट चिल, ओके, सो डोंट यू वरी, आई थिंक सो भी धीरे धीरे स्टार्ट भी हो जाएगा आपका, ठीक है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल। एक्चुअली लव लाइफ में सच में यहाँ भी लवर है, ठीक है, और नॉर्मली भी यहाँ पे भी लवर कार्ड आया हुआ है, कार्ड आया हुआ है, सो सीरियसली रियूनियन बहुत लोगों का है, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, एक्चुअली उनको है ना बहुत ज़्यादा, आप लोगों को है ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल हो रही है, लेकिन ऐसे भी नहीं है, आप उसमें से सीख भी रहे हो, नेक्स्ट टास्क आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, और नेक्स्ट टास्क आपका यही रहने वाला है कि आप इनसे रियूनियन करने वाले हो, आप लोगों का हर 15 डेज में रियूनियन होता है, जो लोगों का 15 डेज में जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में उनको पता चलता होगा, ठीक है, तो 15 या 1 मंथ के अंदर आपका जो रियूनियन होता है, इसके अंदर आप लोग मिलोगे, बातचीत करोगे, फाइट करोगे, बंदा बड़ा सामने वाला बिंदास होगा अपने, एक्चुअली यहाँ पे एक ट्विस्ट बहुत अच्छा है कि आप इनको फाइट करके बताओगे कि हाँ अब भी बोलते ना मस्त मलंग वाली एनर्जी, तो ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए बिल्कुल रियूनियन होते हुए अपना भी एटीट्यूड बताते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन सामने वाले बंदे को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में उसकी बात करें, सामने वाले बंदे को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगता है, आपको लगेगा ये क्या ही मैं मुसीबत में पड़ी हुई हूँ, या पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आता इसमें से निकलूँ या क्या करूँ मैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है, बट डोंट वरी, ये ना 24 आवर्स के लिए थोड़ा सा रहेगा, फिर उसके बाद आप लोगों का नॉर्मली होगा, अच्छे से बातचीत होगी, लेकिन ज़्यादा झंझट मत पड़ना, कमिटमेंट नहीं देने वाला है बंदा आपको, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में उसके लिए मैं आपको साफ लफ्ज मिलती हूँ, इस अभी तो इस वक्त में तो अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करें जिसको पता है, कंफर्मेशन है कि ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन है, तो प्लीज़ आप इसके अभी चक्कर में मत पड़ना, जो चलता है चलने दो, बड़ा सामने वाले बंदे को बोलो कि हाँ अभी मुझे कनेक्टिविटी फील हो रही, आपको थोड़े थोड़े स्टेप लेना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, अपनी तरफ से क्लियरिटी के लिए यूनिवर्स को भी प्रे करना चाहिए कि साइकिल अभी ख़त्म करो भाई, अभी बस बहुत हुआ है हमारी ज़िंदगी, क्या करना बैठा है हम, क्या कुंवारे रहने वाले क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में उनको पता चल रहा है कि बस बहुत हुआ है, ठीक है, सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन में हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, मुझे भी पता चले कि हमारे साथ कितने लोग कनेक्टेड है, कौन कौन है आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम, ज़रूर बताएं आप लोग, क्लेम ज़रूर करें यार, रियूनियन है, बिंदास रहो आप लोग, और जो जो ये कनेक्शन में नहीं है, नॉर्मल है, तब भी उन लोगों का रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, और इवन ये बहुत सारी चीज़ों को डाटा बाय बाय करते हुए दिखाई, अब अपने बोलते ना, मैंने आपको बोला ना दिखावा कुछ और, दिल में कुछ और, दिखावा कुछ और, आप दोनों ही चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो, सो डोंट यू, यूनिवर्स चाहते नहीं है कि आप इनके अंदर से जाओ और आगे बढ़ो, सो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, अपने अंदर मस्क मलंग रहना है, बंदा आ जाएगा, लेकिन स्टक रहे तो आप समझ लो ये बार का रियूनियन नहीं होने वाला, फिर चलेगा नवंबर के 15 तारीख तक, ठीक है, तो थोड़ा सा मस्त मलंग रहो, मेरी रीडिंग देखते हो, रहो मस्त मलंग, कुछ नहीं होगा, जस्ट चिल करो, ठीक है, सो डोंट यू वरी, आने वाले वक्त में बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ जॉब प्लेस की बात करती हूँ, वर्क प्लेस की बात करती हूँ, वर्क प्लेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बिजनेस की बात करती हूँ, तो हाँ बिजनेस में आएगा पैसा, मना नहीं करती हूँ, आएगा, टेम्प्ररी आपका घर का खर्चा निकल जाएगा, ठीक है, आएगा, लेकिन थोड़ा सा कम, रेगुलर से कम, बहुत ज़्यादा इरिटेट और चिड़चिड़ करने वाले, भगवान को बड़े अच्छे से आप लेक्चर देने वाले हो, भगवान चाहे, भगवान को बोलेंगे अरे बस, अब आप जिस भी धर्म से बिलोंग करने वाले हो ना, आप उनको ज़रूर बोलने वाले को, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, अभी तो मुझे जस्टिस चाहिए, भगवान बोलेंगे नहीं बाबा बस, ठीक है, आपकी बातें तो सुन सुन के पूरा दिन तामिनी से कनेक्ट रहते हो, कोई आपका दोस्त है नहीं, ठीक है, सो लगे रहो, डोंट वरी, आपकी गॉड के साथ, आपके भगवान के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, वो आपका बुरा नहीं मानते, एक्चुअली वही आपके सबसे अच्छे दोस्त है, सो डोंट यू वरी, ठीक है, क्या करें, उनके अलावा हमारा कोई है भी तो नहीं ना, ठीक है, और रही बात स्पिरिचुअल कनेक्शन की, तो बिंदास रहो, आने वाले हैं बंदा मस्त, और फाइट करके फिर से टाटा बाय बाय, ईगो स्टिक रहने वाला, लेकिन ये बार आप भी कहीं पीछे नहीं हटने वाले हो मस्त जय मजा चकाने वाले हो इनको, ठीक है, सो डोंट यू वरी, प्रोफेशनल लाइफ में भी बेहतर है, हाँ प्रॉब्लम आने वाली है, बट हाँ धीरे धीरे इस चीज़ों को सॉल्यूशन निकल जाएगा, वक्त लगेगा, मेरे हिसाब से ये तो शांति से आप बैठ ही जाओ और कुछ मत करो, कुछ एक नया ऐड करने की कोशिश मत करना, फिलहाल अभी कुछ है नहीं, तो आपको शांत रहने की जरूरत, कोई नया डिसीजन मत लेना, जो आप लोग लव लाइफ में हो तो भी किसी की एंट्री भी होती है तो थोड़ा सब्र, हाँ इतनी जल्दी किसी को हाँ मत बोला, आई लव यू मत बोला, कहीं कन्फ्यूज ना आ जाओ, वो भी आ गया, अरे मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा भी दिल आपका यहाँ पे, दिमाग किसी और के पास होगा तो हो चुका, अरे रहने दो, शांत रहो, कहीं मत जाओ, सबर, ठीक है ठीक है, आज की एनर्जी सच में बहुत मजा आया थी, मुझे बहुत मजा आया ये एनर्जी के साथ डील करने का, सो थैंक यू सो मच गाइस, क्लिक एंड क्लेम, बाय बाय, लगे रहो भाई, लगे रहो चलो बाय, ठीक है।